भगवान कृष्ण राधा जी से थोड़ी ऊंचाई पर विराजे हुए हैं। जब कृष्ण हो तो खास चीज गाय आएंगी। ये देखिए जब गायें आएगी कृष्ण से जुड़े हुए हैं मोर यहां देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा फिगर कहां पर उसका कंपोजिशन करना ठीक रहेगा। यहां हम बताएं हमारी पारंपरिक कला के अंदर भाव जो होने हैं वो भाव महत्वपूर्ण है। हम रियलिस्टिक से हमारा ये देखिए मोर कृष्ण की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मोर है तो मोरनी भी आएगी। कुंज लगे, कुंज मतलब वृक्ष भी हैं, पशु पक्षी भी हैं और भारतीय चित्र शैली में जब इस तरह के कोई चित्र बनाते हैं तो उनके अंदर नदी नाले पहाड़ और खास चीज ये देखिए सिंपल एक लाइन करी और उसमें
यहाँ हम नदी बनाएंगे और नदी में ये कमल। इनका भी हमें बैलेंस देखना है। कुछ बैलेंस हम ड्राइंग करते हैं तब कर लेते हैं, दूसरा उसमें एक्यूरेसी धरावट जब करते हैं उसमें हो जाती है, और तीसरा फाइनल जब लाइनिंग होती है तब हम इसमें। अब यहाँ देखिए आप सुंदर से, वृक्षों में जीवंतता तब आती है जब उसमें पक्षी बैठे हों, लताएं हों, और पानी नदी में जीवंतता तब आती है तब उसमें बत्तख हैं, मछली हैं, यहाँ ये चीज़ मायने रखती है कि आपने किस चीज़ की कितनी स्टडी कर रखी है, क्योंकि जो चीज़ आपके दिमाग में होगी वो ही ड्रॉ आप करेंगे, कोई सामने देखने की चीज़ नहीं है। कमल के पुष्प किस फ्लो में आप बनाने हैं, पत्ते किस किस तरह से आप बना सकते हैं, हर शैली के अंदर कमल के पत्तों को, कमल को अलग अलग तरीके से आर्टिस्ट ने अपने अपने फ्लो के हिसाब से बनाया है। कमल के पत्ते पूरे झड़ जाते हैं जब बीच का एक येलो सा छूट रहता है। ये देखिए ये जो रेखांकन है, फिर पानी की हलचल, आपको जब फ्लो के अंदर जब ये चीज़ बनेगी तो ये चीज़ आपको हमें करनी है, और जब ये किनारी है तो किनारे के अंदर भी इस तरह से ये हमको पत्तियाँ देनी है, यहाँ इस तरह से घास वगैरह आएंगे। यहाँ हम इस फलक को तीन भागों में बांट आएंगे, नदी के अंदर भी है, जमीन भी आ गई, फिर नदी आ गई, फिर डिस्टेंस आ गया, और फिर ये सुंदर बैकग्राउंड। चूंकि यहाँ इतना स्पेस इतना भरा हुआ है तो थोड़ा सा स्पेस हमने यहाँ खाली रखा है, इसको पूरा बैलेंस रखते हुए। एक तरफ हमने बहुत हैवी फिगर कर दिए, गाय आ गई, मोर आ गए, और एक तरफ हमने इसको स्पेस को खाली रखा है। इसमें हम छोटे 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 फाइन वर्कमैनशिप का इनका हम काम दिखा सकते हैं। यहाँ हम मोर की तादाद भी बढ़ा सकते हैं, कुछ खरगोश बना सकते हैं इस तरह से, और छोटे छोटे हम यहाँ जब हम पेड़ बनाएंगे तो उसमें इस तरह से तोते हैं और बर्ड्स हैं, यहाँ फूल आएंगे,
विभिन्न विभिन्न तरह से, और यहाँ से और लताएं ऊपर जाएंगी, यहाँ बारीक बारीक से लोटस और आएंगे सुंदरता दिखाने के लिए, और यहाँ आसमान में बादल होंगे। ये देखिए आप सुंदर से, और वो कलर के अंदर कितने विभिन्नता, और इस आसमान से ये देखिए खुर्जियां जो होती हैं, एक झुंड इनका जो होता है, ये हम इस तरह से कांगड़ा शैली के अंदर ये चीजें आपको बहुत आए देखने को मिलेगी, क्योंकि कांगड़ा शैली मेरी फेवरेट शैली है। ये इस तरह से, तो ये आज हमने आपको दिखाया, ये हल्का सा इसको रफ लाइन ड्राइंग ये है। ये जब आप इस तरह से आप बनाएंगे तो अब इसको हम किन किन भागों में, अब ये सीन सुबह का है, ये सीन शाम का है, ये सीन सूर्य अस्त होने का है, या ये कब का है, तो इसके बारे में हम आपको कलर, जब कलर फिलिंग करेंगे उस समय हम बताएंगे कि ये किस तरह से किया जा सकता है। इस तरह का लाइन ड्राइंग कंपोजिशन करने के लिए आपको बहुत ज़रूरत है कि आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, और आप जो सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं उसको गहराई से सोचें उसके बारे में। अगर शाम का सीन है तो आप शाम के बारे में सोचें, दिन का सीन है तो दिन के बारे में सोचें, और अगर कृष्ण है तो उनके साथ में गायें होंगी, मोर होंगी, कमल होंगी, राधा कृष्ण साथ हैं तो शाम का, चूँकि एक चीज़ और कि राधा जी मिलने के लिए जाती थी तो और क्या, साथ में पनगट, राधा जी का सबसे बड़ा एक कृष्ण से मिलने का जो होता था, तो एक हम जनरली राधा जी के साथ में ये जो घड़ा चरी ये हम और दिखा देते हैं उनके पास में, एक दो सखी और बता देते हैं, क्योंकि यहाँ हमने सब्जेक्ट सिर्फ दो ही लिए, दो फिगर लिए हैं, दो फिगर के साथ में दो मोर हो गए, दो गायें हो गई, तो ये एक सब्जेक्ट को जीवंत करने के लिए पेड़ के साथ में ऊपर पेड़ पर फल फ्रूट भी होंगे, आम के पेड़ हैं तो आम होंगे, है ना, उस पे लताएं होंगी, रंग बिरंगे फूल होंगे, आसमान में पक्षी होंगे, और कृष्ण के साथ गायें होंगी, मोर होंगी, कमल होंगे, तो ये इनका एक बहुत बड़ा सामंजस्य है। तो ये आज आपने को मैंने किस तरह से रफ लाइन ड्राइंग करनी चाहिए ये मैंने आपको करके दिखाया है, और इसके बारे में भी अगर आपको कुछ जानना हो, कुछ पूछना चाहे तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।